गुड मॉर्निंग स्टूडेंट बीबीएससी सेकंड ईयर ज्योग्राफी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में बात की थी प्राकृतिक वनस्पति की, तो हमने बात किसकी की थी कि प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार। प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार तथा वितरण की बात करते हैं कि वनों को प्राकृतिक वनस्पति से पृथक अध्ययन करना असंभव है। प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत ही हम वनों का भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक वनस्पति की संरचना के मूल घटक होते हैं। ठीक है, वनों का अध्ययन प्राकृतिक वनस्पति के साथ ही करते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान भौगोलिक विविधताओं के कारण सर्वत्र समान प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है। देखिए, प्रत्येक क्षेत्र की जलवायु में अंतर पाया जाता है, उसके कारण वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसमें भी अंतर पाया जाता है। कह सकते हैं कि भौगोलिक विविधताओं के कारण पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर एक प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती है, और वनस्पति का जो प्रकार है उसको भौगोलिक कारक, जलवायु, दशाएँ तथा ऊंचावच प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करते हैं। कैसे नियंत्रित करते हैं, आप सभी जानते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं वनस्पति के प्रतिरूप में अंतर आता जाता है। इसी कारण से भूमध्य रेखा से उच्च अक्षांशों की अगर हम बात करें, भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं तो वर्षा तथा तापमान में क्या आती हैं, दोनों में कमी आती है, जिसके कारण भी वनस्पति की जो प्रवृत्ति है वह बदल जाती है। उसी प्रकार से उच्च तापमान तथा पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों में स्थित होने पर, ऊंचाई पर जाने पर उच्च अक्षांशों के सदृश वनस्पति मिलती है। कि पर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करें, देखो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था पिछली कक्षा में, क्या बताया था, किलिमंजारो पर्वत ऊंचाई पर स्थित है इसलिए वनस्पति के प्रतिरूप में अंतर पाया जाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, हिमालय पर्वत का 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पर कोणधारी वनस्पति पाई जाती है। तो कह सकते हैं कि जो उच्च अक्षांश है वहाँ पर वनस्पति का प्रतिरूप अलग मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जलवायु है, धरातलीय दशाएं हैं, भौतिक स्थिति, जल की उपलब्धता, ये सभी कारक हैं जो पृथ्वी की संपूर्ण वनस्पति को निम्न प्रकारों में विभाजित करते हैं। देखिए क्या होता है कि जैसे हम एक वनस्पति प्रकार की बात करें, वहाँ पर एक ही प्रकार के, एक जैसे जैसे फर्स्ट हमने बात करी सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन, तो इसमें जो वन पाए जाते हैं वो एक जैसे पाए जाते हैं, मतलब एक जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं उन वृक्षों में। जैसे लकड़ी कठोर होती है तो इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो उन्होंने ये चीज़ कही है कि प्राकृतिक वनस्पति को अगर हम विभाजित करें, किस आधार पर करेंगे, कि जलवायु है, धरातलीय दशाएं हैं, भौगोलिक स्थिति है, जल की उपलब्धता है, ये जो जितने भी कारक हैं ये क्या करते हैं, जो हमारी वनस्पति है उसको विभाजित करने में मुख्य सहायक की भूमिका निभाते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं, फर्स्ट किसकी बात करेंगे, उष्णकटिबंधीय, क्या था, सदाबहार वर्षा वन, ऐसे वन सदाबहार जो सदा कैसे रहते हैं, हरे भरे रहते हैं। बात करते हैं जीरो डिग्री भूमध्य रेखा, उसको छोड़ देना, 10 डिग्री उत्तरी से 10 डिग्री दक्षिण, मैप लेके बैठ जाना, एटलस खोल लेना। इस क्षेत्र में जितने भी क्षेत्र आते हैं उन सब में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, भूमध्य रेखा के पास में स्थित है। आप सभी जानते हैं तापमान क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, आर्द्रता अधिक पाई जाती है, वर्षा अधिक पाई जाती है, इसलिए वनस्पति भी कैसी पाई जाएगी, सघन पाई जाएगी। सही है, वनस्पति कैसी पाई जाएगी, सघन पाई जाएगी। रोज दोपहर बाद वर्षा होगी, वनस्पति कैसी मिलेगी, सघन मिलेगी। अगर हम बात करें कि कौन कौन से क्षेत्र इसमें आते हैं, अमेजिन बेसिन की बात करें, कांगो बेसिन की बात करें, और अफ्रीका के कांगो बेसिन, दक्षिणी अमेरिका के अमेजिन बेसिन, अमेजन के जो जंगल 20% ऑक्सीजन विश्व को उपलब्ध कराते हैं सर्वाधिक, कांगो बेसिन की बात करें, अफ्रीका के कांगो बेसिन, इंडोनेशिया के सुमात्रा, बोर्नियो जो द्वीप है, मलेशिया, इन सभी में कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षावन पाए जाते हैं। सही है, तापमान अधिक रहता है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य जो भी क्षेत्र हैं उनमें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। दूसरी बात करें औसत वार्षिक वर्षा की, किसकी बात करेंगे, औसत वार्षिक वर्षा, वार्षिक वर्षा, वर्ष में जितनी वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर,
औसत वार्षिक वर्षा इन क्षेत्रों में कितनी पाई जाती है? 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा पाई जाती है। और एक चीज़ आप सभी जानते हैं कि वर्षा और वनस्पति का सीधा संबंध पाया जाता है। जितनी अधिक वर्षा होती है उतनी ही अधिक सघन वनस्पति पाई जाती है और उतनी ही अधिक वृक्षों की ऊँचाई भी पाई जाती है। दूसरा इन्होंने कहा कि तापमान अगर हम बात करें वर्ष भर 20 डिग्री सेल्सियस से क्या पाया जाता है? अधिक रहता है। और इन क्षेत्रों में पेड़ पौधों के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती हैं। अनुकूल दशाएं पाई जाने के कारण यहाँ जो वनों की सघनता है वह अत्यधिक पाई जाती है। दूसरा हम कह सकते हैं कि सघन वन पाए जाते हैं, पेड़ों के साथ अनेक लताएँ कंठलताएँ वो सभी पाई जाती हैं। कह सकते हैं कि इतनी अधिक वनों की सर्वाधिक सघनता पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एक ही प्रकार के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग जातियों के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। और वृक्षों की इतनी अधिक सघनता है कि सूर्य की किरणें पेड़ों के नीचे धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं। इतनी अधिक सघनता वृक्षों की पाई जाती है कि सूर्य की किरणें पेड़ों के तने तक नहीं पहुंच पाती हैं। क्यों? क्योंकि जो लताएं होती हैं वो पेड़ों पर चिपके रहती हैं और इतनी अधिक उनकी सघनता हो जाती है कि जो सूर्य की धूप है वह पेड़ के तने तक नहीं पहुँच पाती है। दूसरा इन्होंने कहा कि सदाबहार वनों का जो ऊपरी भाग होता है लंबी लंबी तथा सघन लताओं से ढका रहता है, ऊपरी भाग को सघन लताएं, अब लता कोई भी है पेड़ पर चढ़ जाती है पूरे पेड़ को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है, जिसके कारण भी जो सूर्य की जो धूप है वह धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। दूसरा इन्होंने कहा कि उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की बात करें तो 70% भाग पेड़ों का पाया जाता है। इस पर 70% भाग क्या पाए जाएंगे? बड़े बड़े सघन पेड़ पाए जाते हैं, बाकी 30% में लताएं कंठलताएं छोटी छोटे जो वृक्ष हैं वो सब पाए जाते हैं। पादपों में अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, अनेक प्रजातियां ऑटोमेटिक पाई जाएंगी। कारण क्या है? लंबे वृक्ष पाए जाते हैं, अनेक लताएं पाई जाती हैं, सघन वन पाए जाते हैं और जितनी अधिक सघनता पाई जाती है उतनी ही विशेष प्रकार के वृक्षों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। पादपों की प्रजातियों का अर्थ होता है इतने प्रकार के वृक्ष वहां पर पाए जाते हैं। कांगो बेसिन की बात करें 6,500 प्रजातियां पाई जाती हैं। मलेशिया की बात करें 20,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। अमेजन की बात करें 4,000 प्रजातियां। पैनामा क्षेत्र उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के मध्य पैनामा नहर निकाली गई है, पैनामा क्षेत्र उसी को बोलते हैं। पैनामा क्षेत्र की बात करें 2,000 प्रजातियां वहां पादपों की पाई जाती हैं, कि इतने प्रकार के वृक्ष वहां पर पाए जाते हैं। दूसरा एक चीज़ और बताए कि इतने प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं तो वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं? आबनूस है, रोजवुड है, ताड़ है, महोगनी है, रबड़ है, आयरन है, पारानट है, ऑयल पॉम है। तो ये जितने भी वृक्ष हैं ये मुख्य रूप से वहाँ पर पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो वृक्ष पाए जाते हैं, एक तो ये अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते हैं, दूसरी बात आती है कि इनमें कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं कि देखिए इनका सर्वाधिक इतने अधिक महत्व के नहीं रखते हैं ये वृक्ष। कारण क्या होता है कि एक जैसे वृक्ष नहीं मिलते हैं जिसके कारण इनका इतना अधिक महत्व नहीं है। दूसरा कारण क्या है कि इनकी जो लकड़ी होती है वह कठोर होती है, भारी होती है। अब कठोर होती है तो हम ईंधन के रूप में उसका उपयोग ले सकते हैं, बाकी किसी अन्य साधनों के रूप में हम उसका उपयोग नहीं कर सकते। कह सकते हैं फर्नीचर नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए कैसी चाहिए? टिकाऊ, हल्की, इस प्रकार की लकड़ी चाहिए। लेकिन जो उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है वहाँ पर जो लकड़ी होती है कठोर, अत्यंत जो लकड़ी होती है वह अत्यंत कठोर होती है, अत्यधिक कठोर होती है। दूसरी बात करें, इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं अत्यधिक सघन वृक्ष पाए जाते हैं, लताएं हैं वो चारों तरफ से उनको घेरे रहती हैं और हम कह सकते हैं कि एक साथ बहुत सारी प्रजातियों के वृक्ष हमें वहाँ पाए जाते हैं। तीसरी बात करते हैं, यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं 55 मीटर की ऊंचाई तक के पाए जाते हैं। वृक्षों की जो ऊंचाई होती है कह सकते हैं कि 3 मंजिल को पार कर जाते हैं। मकान की अगर 3 मंजिल हैं तो 3 मंजिल से ऊपर भी हमें वृक्ष दिखाई देते हैं। वृक्षों की इतनी अधिक हाइट होती है, वृक्षों की हाइट क्या बताई? 55 मीटर तक, या हम बोल सकते हैं 55 मीटर से अधिक ऊंचाई के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। मुख्य वृक्षों के नीचे अनेक छोटे छोटे वृक्ष पाए जाते हैं, लताएं पाई जाती हैं, कंठ लताएं पाई जाती हैं जो उन वृक्षों को घेरे रहती है और ऊपर से उस वृक्ष को क्या कर लेते हैं? वो कवर कर लेते हैं। सदाबहार वनों की अगर हम क्षेत्र की बात करें तो विश्व में पाए जाने वाले चौड़ी पत्ती वाले जितने भी वन हैं उन वनों के कुल भाग का 1.6% भाग कौन से हैं? ये सदाबहार वर्षावन है। तीसरी बात करते हैं, इस क्षेत्र में छोटे तथा बड़े पेड़ एक साथ पाए जाते हैं तो वनों को अधिक ऊंचाई के आधार पर कई स्तर पाए जाते हैं।
छोटे बड़े सभी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, और मैंने बताया था कि लताएं इतनी अधिक पेड़ों को कवर कर लेती हैं कि सूर्य की जो किरणें हैं वो पेड़ के तने तक नहीं पहुँच पाती हैं। सदाबहार वनों की अगर हम बात करें, अत्यधिक संख्या में आरोही पौधे होते हैं, लताएं होती हैं, कंठ लताएं, महालताएं, ऊपरी रोही जो लताएं होती हैं वो एक साथ सघन रूप में पाई जाती हैं, जिसके कारण भी इन वृक्षों का उत्पादन करना या इन वृक्षों को काटना आसान नहीं होता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षों वनों की अगर हम बात करें तो एक प्रजाति कच्छ के क्षेत्र में भी पाई जाती है। इसी की एक प्रजाति भारत में कच्छ का रण है, गुजरात वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर भी पाई जाती है, लेकिन आद्रोभिद या जलोद्भिद के रूप में पाई जाती है, जलीय वनस्पति के रूप में पाई जाती है। ऐसे वृक्ष आपने देखे होंगे कि जिनकी जड़ें पानी में गुच्छे के रूप में रहती हैं और जल की ऊपरी सतह पर वो तैरते रहते हैं। इसी प्रकार कच्छ के रण में भी इसकी एक प्रजाति पाई जाती है। जो समुद्र के तटीय भाग में स्थित जो कच्छ का रन है वो किस प्रकार का क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र है तो कच्छ के रन के जो दलदली क्षेत्र है उसमें इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। बात करें किस जो वन है, जो वृक्ष होते हैं पानी में तैरते रहते हैं और जो कच्छ की वनस्पति की जो जड़ें होती हैं जटा के जो गुच्छे होते हैं उसकी तरह होती हैं, जो पेड़ के तनों को ऊपर की ओर लटकाए, ऊपर की ओर उठाए रहती हैं। इस प्रकार की यह कच्छ की वनस्पति पाई जाती है। अधिकांश जो कच्छ की वनस्पति है उसको जलोद्भिद वनस्पति बोलते हैं। जलोद्भिद मतलब ऐसी वनस्पति जो जल में उत्पन्न होती हो, तो इस प्रकार की जो वनस्पति है उसको हम क्या नाम देंगे? जलोद्भिद नाम देंगे। बात किसकी कर रहे हैं हम? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये जो क्षेत्र होते हैं सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं और इनमें जो वनस्पति पाई जाती है वो सघन वनस्पति पाई जाती है। कारण क्या है? आप सभी जानते हैं जितनी अधिक वर्षा होगी उतनी ही अधिक वनस्पति भी पाई जाएगी। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की अगर मध्य की हम बात करें, इसके मध्य यह वनस्पति पाई जाती है। एटलस लेना, जितने भी क्षेत्र इसमें शामिल हों उन सभी क्षेत्रों में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन। यहाँ पर वर्षा इतनी अधिक होती है, 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, तो ये पौधे वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। ये पौधे अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते। देखिए जो पर्णपाती पौधे होते हैं वो अपनी पत्तियाँ कब गिराते हैं? वो अपनी पत्तियाँ तब गिराते हैं जब उस मौसम शुष्क हो जाता है और उनको जल की जो मात्रा है वह पर्याप्त उपलब्ध नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ तो प्रतिदिन वर्षा होती है, प्रतिदिन वर्षा होती है तो सर्वाधिक सघन जो जंगल हैं वो यहीं सघन वन यहीं पाए जाते हैं। जो पौधे होते हैं 55 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर पाए जाते हैं। तापमान अधिक पाया जाता है, 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान यहाँ पर पाया जाता है और 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि 70% जो वृक्ष हैं या सघनता है वो कहाँ पाई जाती है? इन्हीं वनों में पाई जाती है। आपको बताया है आपनों से रोजवुड है, पाम, ये सारे प्रकार के वृक्ष वहाँ पाए जाते हैं। अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, पादपों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, एक ही प्रकार की यहाँ पर प्रजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। जितनी अधिक वृक्षों में सघनता पाई जाती है, लताएँ हैं पौधों को जो बड़े वृक्ष होते हैं उनको क्या कर लेती हैं? पूर्ण रूप से ढक लेती हैं और इतनी अधिक सघनता पाई जाती है कि सूर्य की किरणें वृक्ष के तनों तक नहीं पहुँच पाती हैं। और अत्यधिक वर्षा होती है तो दलदल वाले क्षेत्र भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इन वनों का अत्यधिक उपयोग नहीं किया जाता है। कारण क्या है? क्योंकि इन वनों की जो लकड़ी होती है अत्यधिक कठोर होती है। लकड़ी कठोर होने के कारण उनका बहुत अधिक उपयोग नहीं किया जाता है। दूसरा, इन वनों को काटना भी आसान नहीं है। कारण क्या है? क्योंकि आप सभी जानते हैं लताएं हैं, इतने अधिक सघन वृक्ष पाए जाते हैं। दूसरा कारण ये है कि एक ही प्रजाति के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। अगर एक प्रजाति के वृक्ष पाए जाएं तो उनका कोई ना कोई उपयोग हो सकता है, लेकिन एक प्रजाति के वृक्ष नहीं पाए जाते हैं जिसके कारण इनकी अधिक उपयोगिता नहीं है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी प्रकार की एक वनस्पति पाई जाती है कच्छ के रण में। कच्छ का रण गुजरात वाला क्षेत्र है। कच्छ का रण का अर्थ होता है दलदल वाला क्षेत्र, जिसको समुद्र का पानी क्या होता है उस कच्छ के रण में आ जाता है, जिसके कारण वो जो क्षेत्र है दलदल वाला क्षेत्र बन जाता है या वह जलमग्न होने से दलदल बन जाती है और उसमें एक वनस्पति पाई जाती है जो इसी का प्रकार है। तो उसमें जो वनस्पति मिलती है उसको जलोद्भिद के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जल में उत्पन्न होने वाली वनस्पति है। एक कारण इसका यह भी है कि वहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है उसकी जड़ें कहाँ रहती हैं? जल में रहती हैं, गुच्छे के रूप में रहती हैं, और उसकी जो जड़ें हैं वह जो पौधा होता है उसको जल के ऊपर ही तैराती रहती हैं। इस प्रकार की वहाँ पर वनस्पति पाई जाती है। तो हम बात कर सकते हैं दक्षिण अमेरिका के अमेजन बेसिन है, कांगो बेसिन है, और सुमात्रा, न्यू गिनी, बोर्नियो, मलेशिया, इन जो 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य स्थित हैं वहाँ पर इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। कंटिन्यू वर्षा अधिक रहती है तो जिसके कारण यहाँ पर सघन वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं,
दूसरी जो वनस्पति है हमारी मानसूनी पतझड़ वन, मानसूनी पतझड़ वन। देखिए नाम से पता चलता है ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पर क्या आती है, मानसून आती है। मानसून के माध्यम से क्या होती है, वर्षा होती है। लेकिन जैसे ही मानसून वाला मौसम चला जाता है, यहाँ पर ऐसे जो क्षेत्र होते हैं मुख्य रूप से दो ऋतु में पाई जाती हैं, एक ग्रीष्म ऋतु है, दूसरी शीत ऋतु। भारत मानसूनी प्रदेश में शामिल आता है। आप सभी जानते हैं हमारे यहाँ दो ऋतुएँ पाई जाती हैं, एक ग्रीष्म ऋतु और एक सर्द ऋतु। तो आप सभी जानते हैं कि जैसे ही सर्द ऋतु का प्रारंभ होता है या जैसे ही मौसम में शुष्कता आती है, ये पौधे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं। जैसे ही ये पौधे अपनी पत्तियाँ गिरा देते हैं, हम इनको क्या बोलते हैं, पर्णपाती वनों के नाम से हम इनको जानते हैं। वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं, साल है, सांगवान है, सागौन है, सेलम है, पीपर, बुलर, सीम, शीशम, आम, महुआ, जामुन, नीम, मैंग्रोव, हल्दू, प्लास, सेलम, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं जो नॉर्मली भारत में पाए जाते हैं। मानसूनी क्षेत्र के उस भाग में जहाँ वर्षा का औसत 150 सेंटीमीटर से कम पाया जाता है। देखिए यहाँ मानसूनी वर्षा वाले वृक्षों को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक ऐसे वृक्ष जहाँ पर 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है। तो अधिक वालों की मैंने बात करी, आम, जामुन, वो सारे वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर 150 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा पाई जाती है। लेकिन जहाँ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है, वहाँ जो वृक्ष हैं उनके प्रतिरूप में या वृक्षों के प्रकार में अंतर पाया जाता है। बबूल है, रोल्डा है, खेजड़ा है, इमली है, धोकड़ा है, ये सारे वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी पत्तियाँ अत्यधिक छोटी होती हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन अत्यधिक न हो सके, और झाड़ियाँ अधिकतर काटेदार ही पाई जाती हैं। तो जो हमारी मानसूनी पतझड़ वन है, दो क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं या दो प्रकार के इसमें वृक्ष पाए जाते हैं। और फर्स्ट हम बात करते हैं कि इनका जो विस्तार पाया जाता है, उत्तरी गोलार्ध की बात करो आप, 12 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक अगर हम इनकी बात करें, दोनों गोलार्धों में यही स्थिति रहती है इनकी, 12 डिग्री से और 25 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी जो गोलार्ध हैं हमारे, उनके मध्य कौन से वृक्ष पाए जाते हैं, मानसूनी पतझड़ वन पाए जाते हैं। ये जो दोनों क्षेत्र हैं हमारे, कौन से वृक्ष शामिल हैं यहाँ पर, मानसूनी पतझड़ वन। भारत का विस्तार आपको पता है 8 डिग्री 4 से प्रारंभ हो जाता है, 8 डिग्री 4 के बाद ही तो 12 आएगा, तो भारत भी क्या है इसमें शामिल है, भारत है जिनका कुछ भाग है। तो मानसूनी पतझड़ वन की बात करें तो मानसूनी जो पतझड़ वन है 12 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों के मध्य इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। बात करते हैं, भारत है दक्षिणी पूर्वी एशिया का इंडोनेशिया, मलेशिया, अफ्रीका, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी ब्राज़ील, दक्षिणी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी चीन, इन सभी क्षेत्रों में मानसूनी वर्षा वन पाए जाते हैं। और इन क्षेत्रों में होने वाली वर्षा का 90% भाग, जो 90% वर्षा इन क्षेत्रों में होती है वह कौन सी पवनों से होती है, मानसूनी पवनों के माध्यम से यहाँ पर वर्षा होती है। कह सकते हैं जितने भी क्षेत्रों की हमने बात करी वहाँ पर जो 90% वर्षा होती है कौन सी पवनों से होती है, मानसूनी पवनों से होती है। भारत की बात कर लीजिए, भारत में जो वर्षा होती है कौन सी पवनों से होती है, मानसूनी पवनों से होती है, मानसूनी पवनों से होती है। तो इन क्षेत्रों में जितनी भी वर्षा होती है वह 90% उस वर्षा का मानसूनी पवनों के माध्यम से वर्षा होती है। दूसरा कारण देखिए, सूर्य की किरणों का सीधा तथा तिरछा पड़ने से यहाँ पर दो ऋतुएँ पाई जाती हैं, एक है ग्रीष्मकालीन, दूसरी है शीतकालीन। देखिए करक रेखा इधर 23.5 डिग्री पर चलेगी तो हमारे ग्रीष्म ऋतु, अगर इधर चमकेगा सूर्य मकर रेखा पर तो हमारे शीत ऋतु। तो ऋतुएँ कितनी पाई जाती हैं, दो ऋतुएँ, इधर सूर्य की स्थिति रहेगी ग्रीष्मकालीन, इधर रहेगी शीतकालीन। तो हमारे यहाँ कितनी ऋतुएँ पाई जाती हैं, दो ऋतुएँ पाई जाती हैं। तो दो ऋतुएं पाई जाती हैं, तो सूर्य की सीधी किरणें भी पड़ती हैं और सूर्य की तिरछी किरणें भी पड़ती हैं। जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ेंगी तो हमारे यहाँ ग्रीष्मकालीन रहेगा, जब सूर्य की तिरछी किरणें पड़ेंगी तो हमारे यहाँ शीतकाल रहेगा। तो कह सकते हैं कि हमारे यहाँ दो ऋतुएं पाई जाती हैं, एक है ग्रीष्मकालीन, दूसरा है शीतकालीन। ग्रीष्मकाल का औसत तापमान की बात करें 27 डिग्री सेल्सियस और शीतकाल की बात करें 10 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान पाया जाता है। वर्षा के औसत की बात करें 150 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर पाई जाती है। और मानसूनी जो वन होते हैं
क्षेत्र के जो वन होते हैं सर्दियों की शुष्क ऋतु में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। हम देखते हैं शीशम है, आम है, जैसे ही सर्दियां प्रारंभ होती है मौसम में शुष्कता आती है उस समय ये वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अतः इन्हीं कारण इन्हें अब वृक्ष अपनी पत्तियां गिराएगा तो इनको पतझड़ वन या पर्णपाती वनों के नाम से भी जानते हैं। पर्णपाती ऐसे वृक्ष जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो वन होते हैं अत्यधिक सघन तथा लंबे नहीं होते हैं। देखिए जितनी अधिक वर्षा होती है वृक्षों की ऊंचाई उतनी अधिक बढ़ती जाती है, लेकिन यहाँ वर्षा की मात्रा 150 सेंटीमीटर है तो ये वृक्ष उतने अधिक ऊंचे नहीं पाए जाते हैं। औसत ऊंचाई की अगर हम इनकी बात करें 30 मीटर तक इनकी औसत ऊंचाई पाई जाती है। मानसूनी क्षेत्र में वनों की हमने बात करी थी, सांगवान है, साल है, बरगद है, पीपल है, गूलर है, आम है, शीशम, महुआ और जामुन है, नीम है, मैंग्रोव है, यूकेलिप्टस जिसको हम बोलते हैं सफ़ेदा, जो हमारी भूमि के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। कारण क्या है, उसके जो पत्ते होते हैं वो गलते नहीं हैं, और हल्दू है, प्लास है, सैमल है, ये जितने भी वृक्ष हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, मानसूनी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और मानसूनी क्षेत्रों में जहाँ पर 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा पाई जाती है वहाँ पर बबूल है, खेजड़ा है, छोटी झाड़ियाँ हैं, इमली है, धोकड़ा है, इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें कि ऐसे वृक्ष जो पाए जाते हैं 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले में, ऐसे वृक्षों की पत्तियाँ छोटी होती हैं, जड़ें गहरी होती हैं ताकि वाष्पीकरण की जो दर है उसको कम किया जा सके और शुष्क मरुस्थलीय दशाओं में भी यह पौधा पनप सके। और अधिकतर इसमें जो झाड़ियाँ पाई जाती हैं वह किस प्रकार की पाई जाती हैं, कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। आज हमने बात करी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, दूसरा है मानसूनी पतझड़ वन। नेक्स्ट हम बात करेंगे उष्णकटिबंधीय सवाना वनस्पति की नेक्स्ट क्लास में। आज का क्वेश्चन सुनिए आप, आज का क्वेश्चन है सदाबहार वनों की कोई दो विशेषताएं बताएंगे आप मुझे, ठीक है। और सदाबहार वनों की अगर हम बात करें वहाँ औसत वार्षिक वर्षा कितनी डिग्री सेल्सियस होती है, और सेकेंड बताएंगे जो पेड़ों की लंबाई होती है वो कितनी पाई जाती है। मानसूनी वनों की बात करें कोई दो देशों के नाम बताएंगे जहाँ मानसूनी प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं, और दूसरा बताएंगे इन्हें पर्णपाती वन क्यों कहते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। न्यू टॉपिक मतलब इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।